एग्जैक्ट क्या मिल, क्या लगता क्या है एकदम मस्त डिनर यही हो जाएगा। इवन हम लोग कहाँ पे है? ये बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन है, उसके सामने यहाँ पर खान फास्ट फूड एंड जूस सेंटर। भाई क्या धमाकेदार सैंडविच आया है खाने के लिए। हम लोग ये सैंडविच ख़त्म करेंगे और हम लोग निकल रहे हैं कास के लिए। तो रात के बज रहे हैं अभी 10:20 और जाएंगे कास, देखते क्या होता है, फुल मजा मस्ती होने वाला है। चलो ये फिनिश करते हैं। तो उठाए कैसे यार, जुम्मा को मैं जाता हूँ, एक ही बार गया हूँ, आज ही जुम्मा था। हाँ। भाई चलने की जगह नहीं होती, पता है जूते उलते वाले जगह पे लेके गया था। क्या हो गया है, वो रीडेवलपमेंट हो रहा है यहाँ से लेफ्ट। हाँ। तो वो क्या हो गया, पहले जो स्प्रेड आउट था ना वो भी और कम होती जा रही जगह, और भीड़ होने लगी। यहाँ से राइट में मेरे बच्चों की स्कूल है, अब ये स्कूल से निकल के सीधा चोर बाजार चला जाता। स्कूल से निकल के सीधा चोर बाजार, ये राइट में लोग स्कूल है अंदर। हाँ हाँ हाँ, तो इनको स्कूल ड्रॉप करके फिर सीधा शॉपिंग। चोर बाजार में सब चोरी का माल मिलता है या खाली ही सेकंड? नहीं नहीं, एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या पता है, उसका ना वहाँ पे ना आवाज बहुत आती थी, शोर बाजार नाम, शोर बाजार से बदल बदल के वो चोर बाजार हो गया। ओ तो समझा, शोर बाजार से हो गया वो चोर बाजार। तुम लोग वहीं फंसे थे? ट्रैफिक था वहाँ पे, क्या ट्रैफिक था कुछ नहीं था, ट्रैफिक था वहाँ पे, इजीली निकल। लेकिन ये तो वहाँ से नहीं आया ना, हम लोग वहाँ से नहीं आए, जाते तुम आए टाउन वाले भाई। आई बात भाई, तुम कड़क रास्ते से लेके आए, स्मूथ थ्री वे ना, आए तो हमारे पास में। हाँ तो हम लोग पहले लाइव है, तो हम लोग जा रहे हैं ठंड का मजा लेने, शायद ऐसा धुआं हुआ कुछ दिखेगा उधर। तो प्लान ऐसा हुआ है कि हम लोग अभी ड्राइव करेंगे सातारा, यहाँ से है अराउंड 270 किलोमीटर्स। अभी हम लोग कलमबोली मैकडोनल्ड्स पे रुके, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, एक्चुअली प्लान था किसी ढाबे में खाने का लेकिन वो बंद हो गया। अभी बज रहे हैं 1:05, ये संभल के। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ लेते हैं। मजबूत वाला ट्रैफिक जाम लगा है, मजबूत वाला, और गाड़ी सिर्फ खड़ी है, चल नहीं रही है, कब मिलेगी पता नहीं है,
पहुंचेंगे पता नहीं। बस सतारा जाना है, ठंडी देखनी है वहां की। चलो मूव वे, 10 कदम चलेंगे और फिर रुकेंगे। ये हालत है लोनावला की, रात को 2:24 सेकेंड गियर लगा। लोग ऐसा काटना शुरू कर देते ना, 4 मीटर की भी जगह मिली तो। तो मेरा सवाल जो है वो शुरू से यही था कि जाना है क्या उतनी दूर। यही गाड़ी लगा के खा पी लेते रिटर्न हो जाता है लोनावला से रिटर्न। लेकिन नहीं, सबको ठंडी देखनी है, फॉग देखना है। चलो देखते हैं फॉग, वो तो अब देख के ही जाएंगे। अभी हम लोग ये घाट चढ़ के रुके हैं, एक गाड़ी पीछे है उसका वेट कर रहे हैं। थोड़ा सबको मूत्र विसर्जन करना था और थोड़ी नींद सी आ रही थी तो। हाँ क्या बोल रहा है? नासिक का हनी सिंह उतरा है। एक गाड़ी और आ रही है उसका वेट कर रहे हैं। टाइम पास चालू है, बस ऑलमोस्ट आ गया है। यस, उसके बाद जो हम लोग निकलेंगे 70 किलोमीटर मोर टू गो। सतारा पहुंचे क्या हम लोग? पहुंच गए। वी आर एट सतारा। चलो बहुत सतारा है, आगे डेपो है सतारा डेपो। सतारा ने बहुत लाल परी जा रही है उधर से। सतारा पहुंच गए हम लोग 7:10। अभी यहाँ पे हम लोग रुके कुछ नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने के बाद हम लोग ऊपर चढ़ेंगे कास के लिए। कास प्लेटू पे कोई अच्छा टेंपल है तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। ये देखिए नाश्ता मस्त रेडी है पीछे। इधर है ना, Thank you.
मनाली, ब्यूटीफुल प्लेस। ये जो है मेरे दोस्त का गांव है, ये उसका मंदिर है, मस्त है यार जगह। रुको मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। तो चार गाड़ियां हैं, एक वो स्विफ्ट है अपनी टियागो, एक अमेज़ और एक ये स्विफ्ट है। ये तीनों मैनुअल है, सिर्फ ये वाली ऑटोमेटिक है। टोटली वर्थ अ विज़िट। अभी तो और ऊपर जाएंगे और मज़ा आएगी। कास्ट का आई होप और थोड़ी ठंड मिले, ऐसा सुना था कि बहुत ठंड है यहाँ पे, लेकिन ठीक है अभी तो अच्छा लग रहा है। सो गाइज हम लोग गांव आए हैं, ये स्वप्निल का गांव है। स्वप्निल जरा इधर देख। और हम लोगों ने यहाँ लिए हैं गाइज ऑर्गेनिक नींबूज, संतरे के साइज के, जो संतरे के साइज के हैं। ओ ऑर्गेनिक डोर, वेट ये भाई, तू खाना चुरा रहा है क्या? When foreigners come to Gao, guys ये खाना बना रहा है। काय पाऊन ये तो काय करता है। So ये जो ऑर्गेनिक नींबू है, ये हम लोग शाम को शरबत में डाल के पियेंगे। शरबत चीचा के साथ, शरबत ए चीचा, शरबत चिचा में ये ऑर्गेनिक नींबू डालेंगे और पियेंगे। बट यार व्यू देखो यार, जंप ब्यूटीफुल। ये ऑर्गेनिक स्टेप्स। सो प्लान ये है कि अब यहाँ से हम लोग चलेंगे जो हम लोगों ने एक रिजॉर्ट बुक किया है वहाँ। मे बी बीच में एक टेंपल दिखा है, शायद हम लोग वो टेंपल पे भी जाएंगे। क्यों? एक और कोई कुल देवी का टेंपल है, हम लोग वहाँ जाएंगे। और यहाँ से अभी कितना दूर है रिजॉर्ट? रिजॉर्ट यहाँ से मेरे से 25 किलोमीटर तो रहेगा। 25 किलोमीटर, मे बी हाफ एन आवर मोर। और मस्त वाले व्यूज दिखेंगे। ऑर्गेनिक सेशन। स्वप्निल के घर से निकले हम लोग, तो अभी शायद कोई तो भी मंदिर है रास्ते में, उधर जाना है। और उसके बाद म्यूजिक चालू है। अच्छा। सब लोग अपना अपना प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं यहाँ पे। उधर एक्चुअली हो रहा है। हाँ दिखाया मैंने। उधर हो रहा है। किधर? उधर देखो सामने। हाँ बाइक वगैरह लगा। उधर ना वहाँ पे, उधर पियानो जैसा कुछ है। हाँ हाँ हाँ। बाइक जैसा। और उसके राइट साइड पे ना ऐसे कपड़े बिछे हुए, जो थार यूटर्न मार रहा था। हाँ हाँ हाँ। उन लोग कहीं था। ये प्री वेडिंग चालू है उधर। और ये इधर अपने लोग प्री वेडिंग कर रहे हैं। कहाँ गए ये? वो प्री वेडिंग है और ये क्या है? 377। और ये हमारे एक सिपाही गिरते हुए, बहुत ही शानदारी से। सुपर्ब लोकेशन है, सुपर्ब लोकेशन। अगरबत्ती है क्या? अबे वो उसका है, मेरा नहीं है। बस
कार ने मुझे एकदम सरप्राइज कर दिया है। क्या सुपर्ब चल रही है और टर्न्स क्या ब्यूटीफुली हैंडल कर रही है। एक भी बार ऑफ लाइन नहीं हुआ, मतलब जो लाइन में पकड़ के चल रहा हूँ बराबर उसी लाइन पर चल रही है। ग्रेवल है, डस्ट है, देख ही रहे हो आप, ये पूरा ग्रेवल डस्ट एरिया। सुपर्ब परफॉर्म कर रही है गाड़ी, ज़रा बॉडी रोल नहीं है। मुझे महिंद्रा की आदत है बॉडी रोल की, इसमें ज़रा भी नहीं है। क्या परफॉर्म कर रही है गाड़ी, सुपर हैप्पी, सुपर हैप्पी। और मुझे ऐसा लग रहा था सिटी में चला के कि यार बहुत वाइब्रेशन है, बहुत लाउड हो जा रही है, यहाँ रास्ते में आते समय एकदम स्मूथ चल रही थी गाड़ी। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया चला के। तो खैर अभी तो और ऊपर जाएंगे और नज़ारे देखेंगे, इन लोगों की रील वील हो जाए थोड़ी, फिर चलेंगे। तो आगे कोई तो रोड बंद है, उसके लिए विचार विमर्श हो रहा है कि कौन सा वाला रूट ले। तो यहाँ का जो होम ग्राउंड प्लेयर है वो भी कुछ तो डिस्कस कर रहा है, तो हम लोग सड़क के किनारे रुक के वेट कर रहे हैं। पीछे एक और गाड़ी है, उसके लिए भी वेट कर रहे हैं। हाँ, पीछे एक गाड़ी है और एक गाड़ी गायब है, वो पता नहीं कहाँ है, और नेटवर्क है नहीं यहाँ पे। तो वी हैव अ सिचुएशन। ये अभी सबका सोबर स्टेट देख लो, 8 बजने वाले हैं, अभी गेम शुरू होने वाला है। ये अच्छा एक्टिंग करता है इसका। ए वो कुरना वाला कैसे कर रहा था एक्टिंग? ये चल रे भाई, कुरला से ना भाई। कौन है? मेरी जान तड़प। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है अभी कि यहाँ से थोड़ा ही आगे जो है महाबलेश्वर है। तो चेंज ऐसा है कि क्यों ना मैप्रो गार्डन चल के वहाँ नाश्ता किया जाए।